गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? गाइज जैसे आपने लास्ट व्लॉग देखा है कि मैं चार धाम यात्रा पे हूँ और कल हम पहुँच गए थे गंगोत्री वाले रूट पे, जो कि गंगोत्री से 80 किलोमीटर पीछे हमने नाइट होल्ड कर लिया था। कल हम दोपहर में पहुँच गए थे और अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने गंगोत्री धाम के लिए। और टाइम हो रहा है 5:45, 5 बजे मैं उठ गया था तो राइडर्स लोग अभी आए नहीं है, रेडी हो रहे हैं, तो जैसे ही आए थे फिर हम निकलते हैं गंगोत्री धाम के लिए। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जितने भी नए लोग मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। ठीक है गाइज, और अभी कुछ ही देर में हम निकल जाएंगे यहाँ से गंगोत्री के लिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें, चलिए चलते हैं। थराली, और थराली में हम रुके थे अभी चाय पीने के लिए, और सामने रिवर यहाँ पर बहते हुए। और अभी गंगोत्री यहाँ से हमें आधा घंटा करीब और लग जाएगा, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ की वादियाँ आप देख सकते हैं, चेक करें, बहुत ही अच्छा। और ये मंदिर का घंटी यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है केदारनाथ का ही कोई, मतलब केदारनाथ के नाम से ही कोई मंदिर यहाँ पे है, कुछ इस तरह का व्यू। और सामने ऊपर पहाड़ों पे आपको बर्फ़ दिख रही होगी सामने, देखिए। और ये यहाँ से किस रिवर यहाँ बहते हुए, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं गंगोत्री के लिए। तो गंगोत्री के लिए निकलते हैं, गंगोत्री निकल करके राइडर्स लोग करेंगे दर्शन, और हम लोग फिर दर्शन करके निकल जाएंगे वापस नीचे को उतरेंगे। फिर देखते हैं आज नाइट होल्ड कहाँ पे रहता है। और हम निकल गए थे टाइम से ही, 6:15 बजे करीब हम अपना होटल से निकल चुके थे। और ये रही बस है यहाँ से जाती हुई, देख सकते हैं सामने का व्यू। और चाय वगैरह हमने पी ली है। और यहाँ पे जो है ये है प्राचीन कल्प केदार मंदिर सामने, और यहाँ पे कुछ इस तरह का व्यू। ये गाइस, तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पास और निकलते हैं सीधे गंगोत्री को। हम पहुँच चुके हैं गंगोत्री पार्किंग में और राइडर्स लोग चले गए हैं, और कुछ इस तरह की यहाँ पे छोटी गाड़ियों की पार्किंग है, पार्किंग में लगा सकते हैं। और यहाँ पे अपनी खड़ी है गाड़ी, सामने भी गाड़ियाँ खड़ी हैं। और ऊपर वाला जो रास्ता है वो गंगोत्री को जा रहा है, यहाँ से 500 मीटर पर ही है। कुछ इस तरह का यहाँ पे पहाड़ वगैरह पत्थर के कुछ इस तरह के हैं, सूखे पहाड़, इनमें बर्फ़ नहीं जमती है। और जस्ट इसके अपोजिट में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। ठीक है गाइस, तो राइडर्स लोग आ जाते हैं तो फिर निकलेंगे वापस नीचे को उतरेंगे, तब तक आप बने रहें वीडियो में। ठीक है सर भाई, अभी हम जो है हेलीपैड के पास, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलता है। और मैं आपको चेक कराना चाहूँगा, ये चेक करें सामने का व्यू, काफ़ी खूबसूरत ग्रीनरी यहाँ पे देखने को मिलती है। और ऊपर के हिस्से में आपको चोटी पे बर्फ़ दिखाई दे रही होगी, जब स्नो का टाइम होता है उस टाइम पे पूरी चोटी भरी रहती है, तो काफ़ी ज़बरदस्त व्यू यहाँ पे देखने को मिलता है। काफ़ी फोटोज वगैरह वीडियोज वगैरह बनाने के लिए। और सामने चेक करें, पहाड़ी पर काफ़ी ज़बरदस्त बर्फ़ है। और मौसम कुछ इस तरह का मौसम इस टाइम पे देखने को मिल रहा है आसमान में, आप देख सकते हैं, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। और राइडर्स लोग जा रहे हैं नीचे पानी में, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हमारे राइडर्स लोगों को यहाँ पे पानी भरने के लिए गए हुए हैं, और पानी आ रहा है, ये पानी यहाँ पर भर रहा है पानी। और एक कपल यहाँ है और एक कपल अभी गाड़ी में बैठे हुए हैं। ठीक है गाइस, और जस्ट रिवर चल रही है और नीचे जो है रिवर है, और ट्रैफिक कुछ इस तरह से गाड़ियाँ गंगोत्री धाम से आते हुए, और यह भी एक रास्ता जा रहा है सीधे गाइस, जा रहा है सीधे नीचे उतर रहा है। तो हम लोग भी अभी यहाँ से नीचे को उतरेंगे, गाड़ी अपने सामने पार्क है। ठीक है गाइस, चलते हैं गाड़ी में और निकलते हैं यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन को, देखते हैं आज हमारा नाइट होल्ड कहाँ पर रहेगा। ठीक है गाइस, चलिए चलते।
की बना रहे हैं, तो आप और इस टाइम पे काफ़ी अच्छा और आपकी काफ़ी अच्छी रूप में आप भाई आप इस व्यू का एंजॉय कीजिए। देखिए सामने कितने जबरदस्त खूबसूरत वादियां हैं और हम लोग चल रहे हैं अभी सीधे अपने डेस्टिनेशन के लिए। और इस तरह के रोड यहाँ पर रहते हैं, कुछ इस तरह की चढ़ाई यहाँ पर रहती है। और अगर आप लोग भी कृष्णा कैब से भी यहाँ पे आ रहे हैं तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग सेफली गाड़ी चलाएं, जो भी रूल्स हैं उसको फॉलो करें और ओवरटेक का ध्यान रखें, क्योंकि आप देख रहे हैं कितना छोटा रास्ता है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड कंट्रोल में रखें और अपने आप को और अपने फैमिली को सुरक्षित चार धाम यात्राओं की करें। और ट्रैफिक इस तरह से बीच बीच में रोक दिया जाता है, क्योंकि चढ़ाई में जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं छोटा रास्ता है तो उनको चलने में दिक्कत आती है, इसलिए पुलिस वाले कुछ इस तरह से ट्रैफिक यहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग अगर यात्रा में आ रहे हैं तो इसका ध्यान रखें। और रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है सुबह के टाइम पे, बाइक वाले का ओवर स्पीड मार रहा था, गाड़ी संभली नहीं और एक्सीडेंट हो गया। तो आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो बाइक वालों का भी ध्यान रखें, और ओवर स्पीड में आ रहे हैं तो उनको इजीली जाने दें। फिलहाल अभी हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर आगे, वीडियो में बने रहें। इससे हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं और आप ट्रैफिक देख सकते हैं, कितनी लंबी लाइन यहाँ पे गाड़ियों की लग चुकी है, काफ़ी लंबी कतार यहाँ पे गाड़ियों की है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, सामने देख के पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। सुनने में आ रहा है जैसे कि यहाँ के पुलिस अधिकारी पुलिस महकमा बता रहा है कि आगे कोई ट्रक ऊपर को आ रहा था और अचानक वो बैंड पे ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैफिक लग चुका है। तो आप इस व्यू का एंजॉय कीजिए और वीडियो में बने रहें। ठीक है गाइस, चलो चलते हैं। गाइस हमारा ट्रैफिक खुल चुका है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है, कितनी गाड़ियाँ पीछे मेरी खड़ी है। और रिसेंटली हम तो निकल चुके हैं कैसे ना कैसे, और पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है। हम भी अभी ट्रैफिक में रुका है, आगे पुलिस की गाड़ी खड़ी है, उन्होंने ट्रैफिक रोक रखा है, क्योंकि पहले नीचे वो गाड़ियाँ जाने दे रहे, ऊपर वालों को रोक रखा है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। मैं पहुँचा हूँ पायलट बाबा मंदिर के पास, जो कि यहाँ पे भी जैसे नैनीताल वाले साइड में पायलट बाबा आश्रम मंदिर है, वैसे यहाँ भी मंदिर है भोलेनाथ जी का, हनुमान जी का। तो अंदर तो मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि रोड पे ही गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी पड़ी है, क्योंकि पार्किंग उधर आगे साइड में फुल है। तो चलते हैं, आपको बाहर से दिखा देते हैं और फिर अपने होटल की तरफ निकलते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का यहाँ पर व्यू अभी देखने को मिल रहा है, और बारिश यहाँ पे काफ़ी अभी रास्ते में हमको मिली। फिलहाल अभी आपको वहाँ से दिखा देता हूँ, सामने जो है पायलट बाबा मंदिर, ये आप देख रहे हैं, ये चेक करेगा। ठीक है, ये है पायलट बाबा मंदिर, और जब आप गंगोत्री की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे पायलट बाबा मंदिर देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर दर्शन करने के यहाँ पे चाह रहे हैं तो फिर आप दर्शन करना चाह रहे हैं तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि आप पहले गंगोत्री आएँ, गंगोत्री मैया के दर्शन कर लें, उसके बाद वापसी में आप यहाँ पर आके पायलट बाबा के दर्शन कर सकते हैं। सुबह के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, और सामने भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, और सामने क्या नाम अपने हनुमान जी की मूर्ति है, तो काफ़ी अच्छा है और व्यू यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो आप लोग भी आइए चार धाम के लिए, और गंगोत्री से आने के बाद यहाँ पे दर्शन ज़रूर करें। चलिए गाइस, चलते हैं गाड़ी में और राइडर्सों का वेट करते हैं।